जयेश बने हुए हैं, और ये बताने के लिए कि एफएनओ के कौन से स्टॉक्स हैं जो क्रूशल लेवल्स को इस वक्त ब्रीच कर रहे हैं। निफ्टी की अगर हम देख रहे हैं, बात करें तो वो 200 डीएमए को ब्रीच कर चुका है। कौन से इंपॉर्टेंट क्रूशल लेवल्स हैं और एक बार कितने समय के बाद ये लेवल्स देखने को मिल रहे हैं? जयेश बताएं, अगर आपने कुछ इंपॉर्टेंट डेटा यहाँ कंपाइल किया हो तो। तो ये मार्केट के ना तीन पहलू है जो आज के ट्रेड में हाईलाइट करना चाहूँगा। एक तो वो लेवल्स जो टूट चुके हैं, लंबी अवधि के इन्वेस्टर जो है 200 दिन मूविंग एवरेज को क्लोजली ट्रैक करते हैं, तो वो आज डिसाइसिवली ब्रेक हो चुका है। इनफैक्ट सुबह सुबह जब मार्केट खुला था 9:15 बजे, तो हमने सीधे 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे ओपनिंग की थी। और सबसे बड़ा जो इंट्राडे डिक्लाइन है उसको मैप किया था 12 अप्रैल 2021 से लेकर। निफ्टी बैंक भी जो है वो अपने 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे चला जा चुका है। और ये जो है ये स्ट्रॉन्गर ऑफ द टू इंडिसीज है, तो इसको ट्रैक करना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। काफ़ी सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जो अपने 200 दिन मूविंग एवरेज के नीचे जा चुके हैं। इनफैक्ट मैं सारे सेक्टर्स की अगर मैं बात करूं तो सिर्फ तीन ऐसे सेक्टर है जो अभी 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर है, जो कि निफ्टी एनर्जी, निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स और निफ्टी ऑटो इंडेक्स है। तो आपके जो लंबी अवधि के इन्वेस्टर है ये सारे इंडेक्स को ट्रैक करेंगे। एफएनओ हाइलाइट्स की बात करूं तो काफ़ी मिक्स पिक्चर दिख रहा है, क्योंकि सुबह जो रोल ओवर पिक्चर था वो 60% के आसपास था निफ्टी और निफ्टी बैंक का, जो कि अपने 3 मंथ एवरेज के काफ़ी करीब है, तो इतना बुरा नहीं था पिक्चर। और निफ्टी जो है वो अपने चौथे सीरीज पे डिक्लाइन करने वाला था मार्जिनली जो है, बट अभी एंड ऑफ डे तक कितना बुरा होता है वो देखेंगे हम। ब्रॉडर मार्केट इंडिसीज जो है उसमें ज़्यादा पेन है। निफ्टी मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स जो है उन्होंने अंडर परफॉर्म किया है फेब सीरीज में। और तीसरा पहलू जो है मार्केट का वो है वॉलिटिलिटी इंडेक्स, जो इंडिया वीक्स इंडेक्स है, सुबह को 20% बढ़ के फ्रेश 52-week हाई पर ट्रेड कर रहा था। बट उससे भी इंटरेस्टिंग बात ये है कि जब भी इंडिया वीक्स इंडेक्स जो है वो 30 के ऊपर ट्रेड करता है, अगले एक महीने में निफ्टी जो है वो पॉजिटिव रहता है 60% से ज़्यादा टाइम हमने देखा है पिछले 12 सालों में। That's quite an interesting point. शुक्रिया बहुत बहुत इस जानकारी के लिए। तो 30 के ऊपर